सिख फॉर जस्टिस यानी कि SJF का प्रमुख गुरपतवंत पन्नू जिहड़ा कि बीते दिनी गायब हो गया सी, उस वल्लों एक नवी धमकी भारत नूं दे दित्ती गई। 8 जुलाई नूं वख-वख देशां दे विच भारतीय दूतावास घेरन की तैयारी की जा रही है और इन्हां रैलियां नूं किल भारत नाम दिता गया। 21-21 सिंघां दा 21-21 खालिस्तान समर्थक सिंघां दा जथा इन्हां रैलियां नूं संबोधन करेगा और खालिस्तान पक्षी जिहड़े लोग ने वह भारतीय दूतावास जिहड़े वख-वख देशां दे ने उन्हां नूं घेरणगे। इहो जिहियां गतिविधियां उस वेले भी सामने आईयां सन जदों अमृतपाल सिंह फरार हुंदा, उस वेले भी भारतीय दूतावास घेरे गए सी। उह भावें UK के दूतावास होण, भावें उह न्यूजीलैंड दे होण, भावें उह वख-वख देशां दे होण, उत्थे दूतावास घेरे गए अते वड्डे पद्धर दे उत्ते मामला भखिया भी। पर यह मामला हुण हरदीप सिंह निज्जर दी मौत तो बाद, कतल तो बाद भखिया। हरदीप सिंह निज्जर का कतल हुंदा 18 जून नूं इह कतल हुंदा है, जिस तों बाद इह मामला इन्ना भख जांदा है कि हुण 8 जुलाई का समा और 8 जुलाई नूं हुण इह ऐलान कर दिता गया गुरपतवंत पन्नू वल्लों कि आखिरकार 8 जुलाई नूं हुण वख-वख देशां दे विच भारतीय दूतावास नूं घेरिया जाएगा, खालिस्तान पक्षियां वल्लों इन्हां दूतावासां नूं घेरिया जाएगा, इन्हां अंबैसियां नूं घेरिया जाएगा। यह मामला इस हद तक भख गया क्योंकि गुरपतवंत पन्नू ने इस मामले नूं लैके इन्हां रैलियां दा नाम किल भारत रख्या। 21-21 खालिस्तान पक्षियों का जथा जिहड़ा है वह घिरा करेगा। इस मामले दे संबंधी जे गल करिए तां गुरपतवंत पन्नू बीते दिनी गायब भी हो गया सी। उस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी जिहड़ी है वह अमेरिका विजिट सीगी। इस मामले दे संबंधी तुहानूं इह वी दस दईए कि हरदीप सिंह निज्जर दे कतल तों बाद गुरपतवंत पन्नू दीआं एक्टिविटीज़ जिहड़ियां है थोड़ियां शांत हो गईआं। गुरपतवंत पन्नू दा जिहड़ा सारा कार्यक्रम सीगा, प्रोग्राम सी, वह थोड़ा शांत हो गया तो अचानक वह अंडरग्राउंड हो जाता है। उस तो बाद हुण दुबारा धमकी दे दित्ती गई है। इस मामले संबंधी किल भारत नाँ की यह जिहड़ी रैली है वख-वख थावां दे उत्ते वख-वख देशां दे विच कीते जाण दी गल कीती जा रही है, भावें कैनेडा होवे, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK या फिर यूरोपियन देश होण, इन्हां थावां दे उत्ते गुरपतवंत पन्नू ने अपील की है खालिस्तान समर्थकों तो कि जिहड़े अंबैसीज ने, जिहड़े दूतावास ने, उन्हां नूं उन्हां दा घिराव कीता जावे अते किल भारत नाँ की जिहड़ी रैली है वह चलाई जाए। इस मामले संबंधी हुण गां भारत किस तरह की नीति अपनाउंदा है क्योंकि NIA एक पासे तो ऑलरेडी एक्टिव हैगी है, उहदे वल्लों जांच पड़ताल की जा रही है, घोख की जा रही है, पर दूजे पासे खालिस्तानी समर्थक जिहड़े ने भारत विरोधी गतिविधियां जारी रख रहे हैं। भारत सरकार इस उत्ते किस तरह के कदम चुकेगी यह देखना होगा, जो भी होगा दसते रहेंगे। बने रहो वन इंडिया पंजाबी। Subscribe to One India channel and never miss an update.